गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई फर्स्ट ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे फर्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज, ये मेरे चैनल पर फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग है। बाकी इस चैनल पर मैं मिनी ब्लॉग बनाता हूँ जो कि रोज आप देखते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करता हूँ अपने घर से। तो गाइज, अभी नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और अभी मैं पहले अपनी दाढ़ी वाड़ी कटवा के आता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज, दाढ़ी वाड़ी बनवा के रेडी हो चुकी है और कमेंट करके जरूर बताना तुम्हारा भाई कैसा लगा। और आज है जुमे का दिन, तो तुम्हारे भाई ने रहा होगा जुमे की पूरी तैयारी कर रखी है और मैंने अपनी टोपी भी ले ली। और जुमे के बाद जाएंगे हम अपने आम के बगीचे में, क्योंकि कच्चे आम भी काफ़ी मोटे हो चुके हैं और कच्चे आम जंजीरे के साथ खाने का मज़ा ही कुछ अलग होगा। तो फिर पार्टी को हम दोपहर के बाद करेंगे जुमे के बाद। और अभी खाने पीने का टाइम हो चुका है, दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो खाना पीना खा के जाते हैं जुमा पढ़ने। तो भाई, आज खाने में चिकन की सब्जी, रोटी, शुद्ध देसी घी और चटनी। तो भाई, अभी खाना पीना खा के रेडी हो चुके हैं और अब टाइम हो चुका है जुमे का, तो डूबी लगा के चलते हैं नमाज पढ़ने, मिलते हैं जुमे के बाद। तो गाइस, अब नमाज वमाज पढ़ के रेडी हो चुके हैं और अब बारी है अपने दोस्तों के साथ हमारे आम के बगीचे में जाने की। तो गाइस, अपने बगीचे में जाने से पहले हम कच्चे आम के सीक्रेट मसाले लेते हैं, जैसे कि नमक, मिर्च और जंजीर, जिससे कि कच्चे आम खाने का स्वाद 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस, अभी हमारा बगीचे का सफर रेडी हो चुका है। अब फिर भर के लेके देखो देखो गाइस, इन दोनों की मार चल दी धूल खिलाते खिलाते भोसली वाले। तो गाइस, अभी आ चुके हैं हम अपने आम के बगीचे पे और ये सामने ये वाला हमारा आम का बगीचा और ये पार्क हो गई हमारी गाड़ी और ये बगीचे का मालिक जो कि पेड़ पर से तोड़ कर अमियों खाने से अच्छे नीचे गिरी अमियों को खाना पसंद करता है। तो गाइस, जितनी अभी मैंने इकट्ठी कर ली है और बाकी वो लोग लेकर आ रहे हैं, उसके बाद जनती है हमारी कच्ची आमों की पार्टी। तोड़े को लेकर आया तू, अच्छा लगता है। तो भाई, जिसका बाग है और उसके भोसले वाले को हमने तोड़ लगा के भी दिए। भोसले वाले को बाग जब मैं 5 रुपए नहीं बोले छोटा इतने डलवाया, जहाँ भी ज्यादा बोल रहा है। देखिए, डर बैग डलवाया, डर बैग पूरे सेगल में घूम रहा है, कुल 20 रुपए डलवाया। दो गाइस, हम कल काम पे निकल रहे हैं, गरीबी हालात चल रहे हैं थोड़े, 3-4 महीने कमा के आएंगे फिर बताएंगे कौन बन गया। महीने कमाओगे तू भोसड़ी के लो सर, आपके मसाले बहुत स्मार्ट आ रहा था ब्लॉग में यार। इधर देखिए एक बार, सच बोल लो यार, मजाक। तो गाइस, जंजीरे के साथ अमियों खाने का मजा ही कुछ अलग है। गाइस, जो बचपन में पहले अमियों के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे गुटली के शादी के बारे में, वो भाई साहब करने आ रहे हैं। बिल्कुल है रफीक की, देखो मैं बुला रहा हूँ, देखो रफीक का जो साइकर को ले आ देख, इसकी शादी कहाँ से होगी? इधर से होगी। अरे बिहार से, बिहार में आएगी इसके लिए। इसकी शादी कहाँ से होगी? इधर से। अरे इधर से, इधर नैनीताल से होगी तेरी शादी। मेरी भाई कहीं से नहीं होगी, मैं रसीन ले आऊंगा। उला के देख, रसीन इधर है, उला के देख, रसीन मिलेगी तुझे। इधर है, इधर को खुद करके उला रहा है तू। फिर से उला, सही करके कहा।
अरे बिहार है इधर दिल्ली नहीं है। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना किस किस को अमीर जंजीर के साथ कच्ची खाने में मजा आता है। और अब इस पार्टी को हम यही खत्म करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अभी हमें जाना हमारे पास कहीं एक दरगाह शरीफ पे जहाँ हर बार उर्स लगता है नदी के पास में। गाइस ये हमारी नेक्स्ट लोकेशन और यहाँ पे हम आए, यहाँ पे थोड़ी अगले दरगाह शरीफ पे जहाँ हर साल रस होता है। और ये नदी जो कि पूरी भर के चलती है पर इस बार बिल्कुल सूख गई है, थोड़ा सा ही पानी है इसमें, वरना इसमें गाड़ी से निकलने की भी कोई रास्ता नहीं होती थी, वहाँ से दूर से घूम कर आना पड़ता था पुल के पास। सूख खोल कर देख, खोल कर देख, खोल कर देख इधर को, खोल कर देख। अरे खोल कर देख, डर क्यों रहा, कुछ नहीं है, खोल कर देख। बड़ा यार, खोल कर देख, कुछ नहीं है यार, बम थोड़ी रखा बेटा। कराओ आप करते हो यार, खा ले खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, खा ले, एक मैं खा ले रहा हूँ, एक तू खा ले। अरे गाइस वो बंदा भी लेने से डर रहा था, पहले आप खा के दिखाओ, कहीं कुछ मिला के तो नहीं खिला रहा था, पहले मुझे खा के दिखानी पड़ रही है अभी, तो उसके बाद से नामी अली। तो गाइस इस वीडियो से हमें पता लगता है कि इंसानों पर से भरोसा उठ चुका है हल्के हल्के, और लोगों से मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं था कि मैं सोच रहा था कि मैं उसे खराब अम्मी दे रहा हूँ, कुछ मिला के दे रहा हूँ, उसे इतना भरोसा नहीं था। पहले मुझे खवा के चेक गाइस उसे इग्नोर करते हैं और हम अपना सफ़र जारी रखते हैं, क्योंकि हमें भी जाना है यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल, क्योंकि यहाँ बाइक चलने की जगह नहीं है, बाइक चलने की जगह है पर यहाँ दो जने बैठ के नहीं जा सकते क्योंकि कच्ची सड़क है, तो इसलिए मुझे एक दिनों को पैदल जाना पड़ेगा। तो गाइस ये रास्ता है पैदल जाने वालों की, जो कि पैदल जाते हैं यहाँ से शॉर्टकट में थोड़ी पास में पड़ता है, और बाकी बाइक वालों की रास्ता है यहाँ से घूम के जा रही थोड़ी दूर से, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले इसको देख लो, ये रास्ता है पैदल जाने वालों की, और यहाँ से सामने ही दरगाह शरीफ है, वो सामने है दरगाह शरीफ वहाँ पे, और आज भीड़ थोड़ी कम है इसलिए वो रस नहीं आज। तो गाइस वो रास्ता थी पैदल जाने वालों की, और अब ये रास्ता है बाइक पे जाने वालों की, तो ये भी मैं आपको पूरी दिखाता हूँ। और एक रास्ता ये है जो ये भी शॉर्ट में रास्ता है, पर यहाँ से भी बाइक पहुँच कर दी जाती है, और मेन रोड यहाँ पे है जो कि थोड़ी सी दूर और है। तो गाइस ये रास्ता है मोटरसाइकिल से जाने वालों की, जो कि बाइक से आते हैं और बड़ी गाड़ी से आते हैं लोग, वो लोग यहाँ से जाते हैं। और ये सामने दरगाह शरीफ है, और यहाँ पे जुमरात और इतवार के दिन मेला लगता है, बाकी हर दिन थोड़ी थोड़ी भीड़ रहती है। तो आज है जुमे का दिन, तो आज के दिन मेला लगता नहीं है, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी भीड़ है, हम फांदियाँ वाती लगवाते हैं। जा जल्दी टोपी दे दो, टोपी दे दो, तुझे टोपी दे दो। तो गाइस ये है दरगाह शरीफ जहाँ हम आना चाहते थे, जंगल में काफ़ी अंदर। बर्फी सब खा गए तुम, बर्फी लग गई है।
गाइस फाइनली अभी घर आ चुके हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं खत्म करते हैं। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जरूर बताएं इसमें क्या क्या कमी रही और क्या क्या आपको अच्छा लगा और कैसे अगले को मैं ब्लॉग बना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए लव यू, बाय बाय।